सामाजिक न्याय विभाग ने चिमोर भीमकुंड स्थित अनुसूचित जाति लड़के लड़कियों के निवासी शाला और चंद्रपुर सिंदेवाई और ब्रह्मपुरी स्थित वसती गृहों को हाईटेक किया। गुणवत्तापूर्ण निवास, सुसज्ज वाचनालय, आधुनिक व्यायामशाला आदि सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, जिससे वसती गृह और शाला को ISO नामांकन प्राप्त हुआ। सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, इन्होंने निवासी शाला, वसती गृह, इनका चित्र बदलने का निर्णय लिया। कुलकर्णी, इनके प्रयत्नों को सफलता हासिल हुई और आज इस शाला और वसती गृहों को हाईटेक किया गया। भीमकुंड यहाँ पे अनुसूचित जाति के लड़कों की स्कूल और चिमूर यहाँ पे अनुसूचित जाति लड़कियों की स्कूल है। यहाँ पर 6वीं से 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर लगभग 200 के आसपास विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। इन विद्यार्थियों को निवास, खाने पीने की चीजें, लेखन साहित्य, किताबें आदि यहाँ पर मुफ्त दी जाती है। इन दोनों शालाओं में गुणवत्तापूर्ण निवास, भोजन व्यवस्था, भौतिक सुख सुविधाएं, इंटरनेट, व्यायामशाला आदि सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही है, जिससे इन दोनों शालाओं को ISO नामांकन प्राप्त हुआ। सामाजिक न्याय विभाग के 11 वसती गृह जिले में है। इनमें से चंद्रपुर और सिंदेवाई में लड़कों के लिए और ब्रह्मपुर में लड़कियों के लिए वसती गृह है। खुद के मालिकाना इमारत में स्थित ये वसती गृह अच्छे स्थिति में है, जिससे इन वसती गृहों को ISO नामांकन प्राप्त हुआ है। अन्य 7 वसती गृह किराए के इमारत में है। राजूरा के वसती गृह का बांध काम पूरा हो गया है। अगले सत्र में ये वसती गृह स्थानांतरित किया जाएगा। चिमूर के वसती गृह का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। साथ ही बल्लारपुर स्थित वसती गृह का बांध काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसी जानकारी सहायक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी ने दी। हाँ, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागांतर्गत भिवकुंड इथे मुलांची आणि चिमूर इथे मुलींची निवासी शाळा आपल्या इथे सुरू आहे आणि दोन्ही शाळांमध्ये अत्याधुनिक भौतिक सुविधा, शैक्षणिक सुविधा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या। त्या अनुषंगाने यावर्षी आपलं ISO मानांकन दोन्ही शाळांना प्राप्त झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यात मुलं आणि मुलींसाठी 11 हॉस्टेल आपले कार्यरत असून त्यापैकी 4 वसतिगृह हे शासकीय इमारतीत कार्यरत आहे। त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ISO प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रयत्न केले होते। त्यापैकी 3 वसतिगृहांना आपल्याला नुकतेच ISO प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे आणि उर्वरित 1 जे वसतिगृह आहे त्याला सुद्धा ISO घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे। येत्या महिन्यात ते सुद्धा ISO प्रमाणपत्र आपल्याला प्राप्त होईल आणि इतर ठिकाणी सुद्धा सर्व सोयीसुविधा आपण विद्यार्थ्यांना देत आहोत।